आज एक ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे जो नदी के बीचों बीच में है। छोटी सी जगह है जिसमें से पानी निकालकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सुबह सुबह 4 बजे गए तो आप शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे, पूजा अभिषेक आरती देख पाएंगे, वरना वहाँ तो खड़े रहने की जगह नहीं होती क्योंकि स्थान एकदम छोटा सा है। बोट में जाना है यानी बच्चों के लिए पिकनिक स्पॉट हो जाएगा और वो धर्म के साथ में भी जुड़ेंगे। चलेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थान में जहाँ कई साधु संतों ने परिक्रमा वासियों ने आकर तपस्या की और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्यों नर्मदा जी कहलाती हैं शिवपुत्री, क्योंकि भारतवर्ष में हजारों नदियां हैं लेकिन शिवपुत्री महादेव की बेटी सिर्फ एक कहलाती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परिक्रमा गिनी जाती है नर्मदा परिक्रमा, जो लगभग 3300 किलोमीटर की होती है। 1650 किलोमीटर इस पार और 1650 किलोमीटर उस पार, और उस 3300 किलोमीटर की यात्रा में बीचों बीच में एक तीर्थ स्थान आता है जिसे माँ नर्मदा का नाभि स्थान कहा जाता है। क्यों नाभि स्थान कहा जाता है आगे पूरी कथा सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई अधर्मिक व्यक्ति भी अगर माँ नर्मदा की परिक्रमा करता है तो वो धार्मिक हो जाता है, और शायद ही कोई परिक्रमा वासी होगा जो यहाँ नेमावर में आकर ना रुकता है। देवास जिला मध्य प्रदेश के नर्मदा के मध्य में एक साइड पर है हंडिया गांव और दूसरे किनारे पर है नेमावर, और नेमावर में है सिद्धनाथ महादेव का दर्शन जो मैं आगे आपको करवा चुका हूँ। चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो कर पाएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं 130 किलोमीटर और हरदा रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी। ट्रेन की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप बस पकड़ सकते हैं इंदौर से। जैसे शरीर का मध्य भाग गिना जाता है नाभि को नेवल, वैसे ही भारत का मध्य भाग गिना जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बहने वाली माँ नर्मदा का मध्य भाग गिना जाता है नेमावर, और वहाँ से फिर बोट में बैठकर बीचों बीच जाकर दर्शन करने पड़ते हैं नाभि स्थान के। तो अंत तक बने रहिएगा। नाभि स्थान एक कुंड है, कुंड से पानी निकालेंगे तो आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। जैसे शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। दूध दही गंगा जल शक्कर घी मद पंचामृत से अबीर गुलाल चंदन भस्म तिल कमल काकड़ी चढ़ाएं, नाड़ा छड़ी वस्त्र माँ गंगा की आरती के लिए जो चाहें साथ में लेकर जाएं। अभी तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में माँ नर्मदा ही लिख दें वही बहुत। 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासी भी यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो नदी को लांग कर नहीं जा सकते, और आपको घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। और मुझे तो वीडियो को लाइक करने के लिए अंगूठा उठाने में ये बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के जल के स्नान से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नर्मदा जयंती पर घाट पर पांव रखने की जगह नहीं होती तो छोटे से कुंड की बात तो भूल जाएं। छोटा सा स्थान है, सुबह सुबह उजाला होने से पहले यहाँ पहुँच जाएं तो अच्छे से पूजा आरती कर पाएंगे, वरना सिर्फ दर्शन करके ही वापस लौटना पड़ेगा। हो सके तो नारियल और चुनरी पहले से लेकर आएं, वरना बोट वाले भी दे देंगे आलसियों को, पर ज़्यादा करके वो चढ़े हुए होते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके घर से ही लेके जाइएगा। महाभारत में भी वर्णन है इस तीर्थ स्थान का। उस समय इस
तीर्थ स्थान का नाम नाबीपुर था। गवर्नमेंट और दस्तावेजों में इस स्थान का नाम मामा कदम है और यह पहले एक बड़ा व्यापारी केंद्र भी था। यहाँ गणेश भगवान ने भी आकर तपस्या की थी। हम तपस्या नहीं कर सकते लेकिन कमेंट बॉक्स में जय मानवता तो लिख ही सकते हैं। अभी गुलाल चंदन से जैसे कुंड की पूजा करें वैसे यहाँ पर गणपति जी की पूजा करना न भूलें। भारत तीर्थों की भूमि है, नदियों की भूमि है, एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी नदियाँ हैं किलोमीटर में एरिया में विस्तार में, लेकिन नर्मदा जी महत्व में बड़ी हैं। आप इसी पे से महत्व समझ सकते हैं कि सभी हजार नदियों में सिर्फ नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है। सिर्फ नर्मदा जी में ही पाए जाने वाले हर कंकड़ को शंकर माना गया है। नर्मदा जी में से लाए गए शिवलिंग की प्राण स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती। तापी और मां नर्मदा सिर्फ यही दो नदियां, यही दो माता हैं जिनके ऊपर पुराण लिखे गए हैं। स्कंद पुराण में रेवा खंड में वर्णन है, रेवा मां नर्मदा का ही दूसरा नाम है। माता नर्मदा को मैकल कन्या भी कहा जाता है क्योंकि माता मैकल पर्वत से अमरकंटक से होकर निकलती हैं। माता का प्रादुर्भाव यानी धरती पर आगमन माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हुआ था। उसी दिन मां नर्मदा की जयंती मनाई जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि इस दिन हर साल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं, मां नर्मदा में स्नान करूं और उसी दिन उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करूं। और इसी तरह पिता शिव और पुत्री नर्मदा माता का दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। तो आप कथा सुनते हैं कि क्यों मां नर्मदा को शिव पुत्री कहा जाता है। मैकल पर्वत पर एक असुर था जिसका नाम था अंधकासुर। अंधकासुर के राक्षस का आतंक चल रहा था। तब देवताओं ने शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और शिव जी से प्रार्थना की कि अंधकासुर का वध करके अत्याचार से बचाने के लिए आए। तो देवताओं की रक्षा के लिए महादेव को अंधकासुर से युद्ध करना पड़ा। वह युद्ध इतना लंबा चला कि महादेव को पसीना आ गया और शायद आपको भी इतना लंबा वीडियो देखते देखते पसीना आ गया होगा। आखिर मंदिर के वीडियो देखना कितना मुश्किल काम है मैं समझ सकता हूँ। और जो पसीना धरती पे गिरा उसी से मां नर्मदा प्रकट हुई। तो भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुई थी इसीलिए उन्हें शिव पुत्री कहा जाता है। नर्मदा जी ने भी अपने पिता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उनकी भी शुद्धता मां गंगा जैसी हो, वो भी मां गंगा की तरह अपने भक्तों के कष्ट दूर करें, उनके पाप दूर करें, उनके पितरों को सदगति दें। ऐसा कहा जाता है गंगा स्नाने यमुना पाने और नर्मदा दर्शने, यानी गंगा जी में नहाकर जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य यमुना जी का जल पान करने से मिलता है। तो गंगा जी में नहाकर पाप धुलते हैं, यमुना जी यमराज की बहन हैं इसलिए यमुना का पान करने वाले पानी पीने वाले को यम का सही मिलता। तो यमुना जी का जल पीकर जो फल मिलता है नर्मदा जी के दर्शन करने से ही उतना पुण्य मिल जाता है। तो सोचिए जब आप खुद यहाँ आकर माता की आरती दर्शन करेंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। फिलहाल महादेव के वचन अनुसार नर्मदा जी के दर्शन करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो अब तक आप वीडियो में बने रहे तो नर्मदा जी के दर्शन आपने कर लिए।
ऐसे ही 1800 बंदे जो आज से पहले ना देखे हो ना कथा सुनी हो, देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक बंदे के दर्शन, और माँ का भजन तो सुन लीजिए एक मिनट का। सिंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत सुपाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारी वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् कलोमलोक भारहारी सर्वतीर्थनायकम् सुमच्छकम्।